ऐसा हो सकता है ये मस्ताना के फिल्म के सेट पर है? किधर है डायरेक्टर? किधर है डायरेक्टर? तू है? तू है डायरेक्टर इस पिक्चर का? ला मुझे दे लाउड स्पीकर, मुझे दे। तू है डायरेक्टर इस पिक्चर का? तेरी खड़ा खड़ा सीधा, वेरी बैड, वेरी बैड, सीधा खड़ा सीधा, हाथ रखा हाथ रखा, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, बैड बैड। अभी इसको बाहर ले जाओ एंड शूट हिम दो बार। हाँ, अब ये बताओ किसको डायरेक्ट करना है ये पिक्चर? तू? हाँ हाँ तू, ये ले। और क्या चाहिए पिक्चर डायरेक्ट करने को? एक लाउड स्पीकर बस। ए, सुना नहीं, चल बे डायरेक्ट कर। पेशी, पता चला तुम मैरिड हो? हाँ, और मुझे पता चला कि तुम इंडिया आए ये जानने के लिए कि तुम शाने हो या पाने। एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, यू नो, मैं अपने आप को यहाँ ढूंढने आया हूँ। पता है अंग्रेज दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड लोग क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी उनको कोई सच बात कहनी हो तो वो मौसम के बारे में बात करते हैं। तो क्या हम भी मौसम के बारे में बात करें? अरे ऐसी कोई बात नहीं है मैन, मैं तो इंडिया अपने आप को ढूंढने के लिए आया हूँ। एक नई जगह भी देखना चाहता था, नो व्हाट आई मीन? पूरी लाइफ लंदन छोड़कर बाहर नहीं गया था, तो मैंने सोचा कि अपने इंडिया से अच्छी जगह क्या हो सकती है। मेरे दादा परदादा भी यहीं के थे, यू नो, अब तो ये मेरे लिए एक ब्रांड न्यू दुनिया है मैन। ए बड़ी, एक और बियर लाना। ब्रांड न्यू दुनिया? yeah, कल्चर वल्चर वगैरह, यू नो, उसी तरह की चीजें। और क्या इंडिया से तुम खुश हुए? well, सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। क्यों? हाथी कहाँ है, बंदर कहाँ है मैन? जू में और कहाँ, लंदन में तुम लोग कहाँ रखते हो? No wonder इंडिया में दुनिया की सारी गंदगी भरी पड़ी है। ये तुम फिरंगियों को अपनी गंदगी धोने के लिए अच्छी जगह मिल गई है। अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम शाने हो या पाने, इंडिया चले जाओ। अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो या क्या चाहते हो, इंडिया जाओ। बस दुनिया के सारे पागलों को यही एक जगह मिली है अपने आप को ढूंढने के लिए। पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम इतने प्यारे हो कि शाने नहीं हो सकते, और इतने डरे हो कि पाने नहीं हो सकते। पता नहीं कि तुम एसी हो या डीसी, उसमें कोई गलत बात नहीं, बस तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो। जन्म लेते जब डॉक्टर ने मुझे छुआ, मैंने फैसला कर लिया।
मगर मुझे यकीन है कि तुम जरूर गिरोगे, ऐसे नहीं तो वैसे। और अगर तुम सारी जिंदगी लटकना चाहोगे तो कभी सीधे नहीं गिर पाओगे। मतलब समझे प्यारे? हाँ थैंक्स टॉली। मैं बोलता है उसका फिल्म एकदम फ्लॉप, उसके बाद मस्ताना मेरे को लॉन्च करे। कम ऑन कागो एक्टर हुआ, मैं जाकर बोल दूँ उसका फिल्म फ्लॉप होने वाला है। कुछ कह नहीं सकते, कृष्णा अच्छा एक्टर है, कुछ कर दिखाए तो। अच्छा एक्टर? हाँ। उसको फाइट नहीं आता है, डांस नहीं आता है, पोज नहीं आता है। अरे मैंने उसके साथ स्क्रीन टेस्ट किया है, थैंक गॉड आई डोंट हैव टू बी हिज हीरोइन। एकदम सी ग्रेड फिल्म बना रहा है वो। मस्ताना ने सिर्फ घाटे के लिए उसको साइन किया है। छोड़ो। तो मैं समझ लूँ कि वो तेरा दोस्त है, लेकिन लेकिन वो हीरो मटेरियल नहीं है। हीरो मटेरियल? राइट, हीरो मटेरियल। या वो तेरा दूसरा दोस्त है ना, वो एकदम गोरा चिकना है। कौन सा? एक्सिस। उसको म्यूजिशियन बनना है, अभी वायलिन बजाना सीख रहा है लेकिन काफी बेसुरा है, अब कैसे बताऊं उसे? मैं बताऊं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ओए कागो अस्टर, अस्टर को क्या है? क्योंकि क्योंकि तुम हमेशा खाते वक्त बात करती हो, कभी भी खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा किसने बोला? ये फिरंगी खिटपिट मुझे मत दे, इधर हाथ मत लगा, उधर देखो नहीं, मैं जो चाहे करूंगी, समझा? हाँ? हे, ये तो मेरा फेवरेट गाना है, चल डांस करते हैं। डॉली मैं पाना हूँ, मैं शाना हूँ, मैं पाना हूँ, मैं शाना हूँ, मैं पाना हूँ, मैं शाना हूँ, मैं मैं पाना हूँ। ओए मैं पाना हूँ। हेलो क्या? नहीं नहीं, ये घनश्याम दास सुपर फास्ट एक्सप्रेस लॉन्ड्री नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनोगे क्या? ये घनश्याम दास सुपर फास्ट एक्सप्रेस लॉन्ड्री या जो भी है वो नहीं है। ओके मैं पाना हूं, मैं शाना हूं, मैं तो कैसे हो? मैं शाना हूं, सच में। होल्ड प्लीज। व्हाट हर लाइक? रेडी? पोज ले, पोज। नाइस पोज। हां आइए, आप इधर। हेलो, हां आर यू रेडी नाउ? रेडी रेडी। Hold please. Okay. Okay. अरे हटा ना यार। चल इधर। अरे this is not hanging garden यार। अरे तू खींच ना, अपन को ऐसा इच मांगता है।